स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के सदन से बाहर जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मीडिया को बयान देते हुए सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्रवाई के दौरान आज 27 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव भावुक होकर सदन छोड़कर बाहर आ गए। वहीं इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार है जहां किसी सरकार के बड़े पद में रहने वाले मंत्री सदन की कार्रवाई को छोड़कर बाहर निकले हों और जिन्हें अपनी ही सरकार पर विश्वास न हो। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि यदि किसी मंत्री को खुद के सरकार पर भरोसा नहीं है तो सामान्य जनता का क्या हाल होगा। घटना घटित होने के बाद में आज उसका जो स्वरूप आपके सामने दिखाई दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ये पहली घटना होगी कि चलते हुए विधानसभा में सत्ता पक्ष जो कदावर मंत्री है वो सरकार के ऊपर स्पष्टीकरण मेरी स्थिति स्पष्ट करे, इस बात को लेकर के यदि मंत्री उठ करके चला जाए और ये कहे कि जब तक सरकार मेरी स्थिति स्पष्ट न करे मैं इस कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा। सदन के आसंदी में विराजमान है और उस बीच के उठ करके चले जाना बड़ी घटना है। यदि उनको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कैसे विश्वास होगा। बहुत दिनों से ये पहली अभी आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है, ये काफ़ी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी, कांग्रेस के अंदर में सुबुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का एक मिनट भी अधिकार नहीं है। इन्होंने जब अपने मंत्री का विश्वास खो दिया तो छत्तीसगढ़ के जनता का विश्वास कैसे इनके ऊपर रहेगी, तो इन्होंने जना विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार को रिजाइन करनी चाहिए।